इसराइल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक ट्रक चालक ने बस स्टॉप पर खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और 40 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये घटना तेल अवीव के ग्लिलॉट में हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवर को भी गोली मार दी गई है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि यह आतंकी हमला है या दुर्घटना। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया था और ईरान तभी से हमले की बात कर रहा था। अभी ये सूचना नहीं है कि इस घटना के पीछे ईरान है या नहीं। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि मारा गया ट्रक ड्राइवर कौन था और वह ट्रक को कहां लेकर जा रहा था। उधर ग्लिलॉट बेस के पास बस स्टॉप पर ट्रक से टक्कर मारने के बाद घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। एमडीए के मुताबिक घायलों में से 6 की हालत गंभीर है, 5 की हालत मॉडरेट है और 20 को हल्की चोटें आई हैं। इसके अलावा 4 अन्य एंग्जाइटी अटैक से गुजरे हैं। तेल अवीव के इचिलोव हॉस्पिटल ने अपने बयान में कहा कि ग्लिलॉट जंक्शन पर हुए संदिग्ध आतंकी हमले के पीड़ितों में से एक की हालत बहुत गंभीर है और उसकी जान खतरे में है। पुलिस इस घटना को एक्सीडेंट के बजाय एक आतंकी हमले की तरह देख रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इसराइल में ऐसा हमला हुआ हो। गाजा में हमले तेज होने के बाद से इसराइल में ऐसे कई हमले हो चुके हैं। सितंबर में जॉर्डन और वेस्ट बैंक बॉर्डर पर हुए हमले में 3 इसराइलियों की मौत हुई थी। IDF के मुताबिक एक जॉर्डन के शख्स ने इसराइलियों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शख्स को भी गोली मार दी थी। अक्टूबर की शुरुआत में ऐसा ही एक मामला तेल अवीव से सामने आया था, जहां एक शख्स ने फायरिंग करते हुए कम से कम 9 नागरिकों की जान ले ली थी। आपको बता दें कि बीते दिन ही यानी शनिवार को इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली सेना ने भी बयान जारी किया था। IDF ने अपने जारी बयान में कहा कि बीते कुछ समय में ईरान और उनके प्रॉक्सी ने हम पर कई हमले किए हैं। ये हमारा पलटवार है। हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसराइल ने ईरान पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल की तरफ से किए गए हमलों के बाद से ही ईरान कहता आ रहा है कि वह इसराइल पर बड़ा हमला करेगा। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि इसराइल में हुआ ये हादसा कोई सड़क हादसा है या फिर आतंकी घटना। I'm not going to be able to do it.